नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। हालांकि ये हमारी जो ये क्लासेज है, ये हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। जी हाँ, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1, मतलब कि आप अपने घर पर बैठ के मेरे साथ लाइव सीख सकते हैं। कैसे? उसके लिए हम गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है इसी क्लास की है। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और लोग ज्वाइन होंगे, ऑनलाइन ज्वाइन होंगे अपने घरों से। सुबह 9 बजे आराम से बैठ के घर पे क्लास लेंगे मेरे साथ और सारे डाउट सारे क्लियर हर चीज मेरे साथ पूछेंगे। तो आप ऑब्जॉर्व कीजिए कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी वीडियो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर इन फ्यूचर में कभी मैं वीडियो अपडेट करता हूँ, हालांकि मैं डेली बेसिस में 5-7 वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको उसकी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसी तरह से मेरे वीडियोज को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है, उस पर नोट कर लीजिए, मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड देखिए किस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो कुलदीप जी, अजय जी और संदीप मकमाना जी, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम यूज करते हैं डिफाइन नेम को। ठीक है, डिफाइन नेम को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसका आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब डिफाइन नेम होता क्या है, पहले इस बारे में जानिए कि हमारा डिफाइन नेम क्या होता है। तो डिफाइन नेम का यूज हो सकता है आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि मैं उसका कुछ और कंसेप्ट बता दूं कि उसको और हम कैसे यूज करते हैं। हालांकि इसको यूज करते हैं लोग फॉर्मूला सिंपलाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को कैसे हम सिंपलाइज करेंगे उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे पहले बात तो समझिए कि नेम मैनेजर होता क्या है। और जैसे एक एरिया है A10 से D10, A1 से D10, राइट, A1 से D10 एक एरिया है जो कि आप देख रहे हैं। तो इसको कंप्यूटर अभी C1 का A1 से C10 समझ रहा है, राइट? लेकिन मैं अगर इसको फॉर्मूला बार में जाऊं और डिफाइन नेम में जाऊं और डिफाइन नेम में जाने के बाद अगर मैं इसका नेम जो है डिफाइन नेम में जाके इसका नेम डिफाइन कर देता हूं DD। अब एरिया इसको A1 से D10 से नहीं, DD के नाम से जानता है। अब मुझे कहीं भी किसी भी सीट पे अगर इसको यूज करना हो तो जस्ट हम यहां DD लिखेंगे और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर। एक तो हो गया, अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट, पहला बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहां पे हमारे पास यहां पे कुछ सेल्स लिखता हूं मैं, कुछ सेल्स हम यहां पे लिख देते हैं। अब मुझे हर सेल्स में एक परसेंटेज निकालना, एक कमीशन निकालना होता है,
उस कमीशन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 10% मान लीजिए। तो हर बार मुझे इसको क्लिक करना होता है और इसको मल्टीप्लाई वाइज इसको सिलेक्ट करना होता है। अब इसको नीचे ड्रैग करने के लिए अब इसको हम ड्रैग करते हैं तो मुझे इसको फ्रीज व्रीज सब करना पड़ेगा। क्या तो इस तरह से इसको कई सारे जगहों पे यूज करना है हमको, इसको जो है कई सारे जगहों पे यूज करना है, तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में मैं जाऊंगा यहां फॉर्मूला वार में डिफाइन नेम और यहां मैं कमीशन से इसको डिफाइन कमीशन लिख के इसको कर देता हूं। अब मैं यहां डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करूंगा मल्टीप्लाई बाय CO और मुझे कहीं इसको ना ड्रैग करने की जरूरत नहीं, कहीं इसको ना फ्रीज करने की जरूरत है, इस फाइल में इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला बेनिफिट हुआ कि अगर आपको ऐसा लोकेशन है जहां पे आपको बार बार फ्रीजिंग का प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। क्लियर सर? ओके सर। अब दूसरा इसमें बात आता है कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि हमारा जो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, अब इसमें मुझे कमीशन अपडेट करना होगा तो यहाँ पे से मैं 15% करूं तो यहाँ मैं अपडेट कर सकता हूँ, एंटर मारते यहाँ पे अपडेट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब मुझे क्या ये कहीं मान लीजिए कमीशन हम यहाँ पे लिखना है, लिखा हमने तो क्या हर्ज कहीं ना कहीं मुझे कमीशन लिखना ही पड़ेगा क्या सर? तो हम जो है यहाँ हम जाते हैं अपने इसमें कॉमन कमीशन में, हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे 15% लिख सकते हैं। अगर आपका फिक्स है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे टिक मार कीजिए एंड क्लोज। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर सर? यस सर। अब इसका और क्या बेनिफिट है चलिए, तो इसको और सारी जगह पे कर, मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपना ये करते हैं ना स्लैब इंसेंटिव कि 0 से 40 हो तो 500 आए, 41 to 80 हो
तो यहाँ पे 1000 है और 81 टू 100 हो तो 1500 हो एंड ग्रेटर देन 100 हो तो यहाँ पे 2000 हो। इसके लिए याद होगा कि हमने जो है इफ के कंडीशन नेस्टेड इफ का कंडीशन लगाया था, राइट। नेस्टेड इफ का कंडीशन लगाया था ना, हाँ सर। अब चलिए हम नेस्टेड इफ के कंडीशन को छोड़ते हैं। इस नेस्टेड इफ कंडीशन यहां पे लगाते हैं, तो यहां करते हैं कि इफ और यहां पे देते हैं कि अगर a लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो यहां पे आए 1000 500 अगेन हमने यहां पे कमा देके एक और इफ लगा दिया, अगर a लेस देन इक्वल टू हुआ 80 तो 1000। अगेन हम इफ लगाएं और इसको सेलेक्ट करके बोलते हैं कि अगर a लेस देन इक्वल टू हुआ 100 तो आए 1500। फिर हम देते हैं कंडीशंस कि इफ अगर a लेस देन इक्वल टू, तो ये 1000 हो गया यहाँ पे गलती से, यहाँ देते हैं यहाँ ग्रेटर देन लग जाएगा ना, ग्रेटर देन 100 हुआ तो 2000 ये करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतना लंबा फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो आपके साथ दिक्कत होने के चांसेस हैं, ठीक है। दिक्कत होने के क्या चांसेस हैं, चलो आप लगा लोगे, मान लीजिए इस तरह का फॉर्मूला आप अपने बॉस के फाइल में या किसी और के फाइल में लगाना चाहते हो तो उस केस में क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए उनको तो ये फॉर्मूला समझाना पड़ जाएगा, तो हम इसी को कॉपी करेंगे और इस पूरे को कॉपी करेंगे, देखो पूरे को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहीं पे ऊपर जो हमारा है नेम मैनेजर में न्यू पे जाते हैं और मान लीजिए यहाँ पे आई एन सी नाम दे देते हैं और यहीं पेज को हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे लगाइए इक्वल आई एन सी, अब यहां जीरो आया, जीरो क्यों आया, हमने गलती कर दी। गलती क्या करी कि जब हम डिफाइन नेम का एक गलती नहीं इसलिए किया था कि आपको समझा सकूं, डिफाइन नेम हमने किया है तो हमने अपना सिलेक्शन यहां रखा है, तो सिलेक्शन जहां रिजल्ट चाहिए वहां रखिए, समझे। तो मैंने यहां पे सिलेक्शन रखा और इसको सिलेक्ट करता हूं कॉपी एंड इसके फॉर्मूला में डिफाइन नेम पे जाता हूं, इसी को चेंज कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं उसको, इसी को चेंज कर देता हूं और इसको पेस्ट किया
क्लिक करते हैं एंड क्लोज। अब देखिए यहां हम देते हैं आईएलसी, तो रिजल्ट देगा पक कर लिया कोटिंग को और रिजल्ट आया। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला सुटेबल लगा, ये सुटेबल लगा, इस फॉर्म आपने बॉस को बोला सर बॉस आईएलसी का फॉर्मूला लगा लो सर, निकल गया। तो आईएलसी का फॉर्मूला लगाएगा और जो सामने इसका रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से और भी जितनी कैलकुलेशंस है सारी कैलकुलेशन आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अजय जी, कुलदीप जी, समझ में आया कि हमने किया गया? ठीक है, अब इसमें सर आ गया समझ में। ब्रेक कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है और मुझे यहाँ नीचे इसका एमआरपी निकालना है। तो एमआरपी के लिए क्या करना है कि पहले मैं 5% निकालूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 10% निकालूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 15% निकालूंगा। ऐसे कई सारे ब्रेकेबल कैलकुलेशंस हैं। तो याद होगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, जब मैंने फॉर्मूला मर्जिंग बताया था, जब मैंने कैलकुलेशन का हमने एक बड़ी सी फॉर्मूला लिखी थी इसके लिए, ठीक है, तो उस बड़ी सी फॉर्मूला को हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हम डिफाइन नेम में जाते हैं और सबसे पहले निकालता हूं मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, मतलब कि एमसी, और मैं बोलता हूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ए प्लस इसका 5%। और देखिए डॉलर साइन हटा दिया कीजिएगा, वरना फिर वो एक ही एरिया के लिए फिक्स हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो एमसी जो आया, क्या आया है एमसी, हाँ एमसी क्या आया है, एमसी आया 52 रुपए। अब मुझे 52 रुपए में प्लस करना है 52 रुपए का 3%, ठीक है। तो मैं वापस डिफाइन में जाता हूं और यहां करता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटर डीसी, डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट। तो यहां पे मैं कर दूंगा एमसी प्लस एमसी का 10%, एंड ओके। अब देखिए डीसी क्या आ गया, इक्वल डीसी 57 रुपए आ गया। अब मुझे इसका 15% निकालना है होलसेलर रेट, तो मैं यहां पे एच सी यहां लिखूंगा डीसी प्लस डीसी का 15%, एंड ओके। अब देखिए एच सी क्या आ गया, इक्वल एच सी 66। अब मुझे रिटेलर कॉस्ट की एमआरपी निकालनी है, तो एमआरपी में क्या करना है, तो मुझे इसका जो है इसका निकालना है 20%। तो एमआरपी नाम दे दिया मैंने और यहां हो जाएगा एच सी प्लस एच सी का 20%। यहां देखिए एमआरपी रिजल्ट आ गया, ठीक है सर। अजय जी, कुलदीप जी, समझ में आया आपको? तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम, तो अभी आप क्या करें, मुझे इस एमआरपी का मुझे कम से कम 20 एग्जांपल दे, जो हमने बताया कि नेम मैनेजर में किस तरह से रख के कैलकुलेशन और अपने फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो आप अपने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को नेम मैनेजर में डालने का मुझे कम से कम 20 एग्जांपल दे, यही आपकी एनालिसिस है। अगर 20 एग्जांपल आप देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको फॉर्मूले पे कमांड हो गया है, नहीं तो फिर मुझे और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों देखा किस तरीके से हमने क्लासेस दी, तीन बच्चे थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से थे, बैठ के मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ली। आप भी चाहो तो हमारी ऑनलाइन क्लास इसी तरीके से बैठ के ले सकते हो। इसके लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए एंड डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दीजिए, तो चार क्लास डेमो लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को पॉपुलर करने की कोशिश कीजिए। जितना लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना ही हमें मुझे मोरल सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।